एकदम से नीचे भी आए, तब भी हमने यही कहा था कि आप आराम से रखिए, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आने की संभावना है। और वैसे रिजल्ट्स आते हुए दिख भी रहे हैं दीप, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आते हुए नजर आए हैं। 9,000 करोड़ से ज्यादा का कामकाजी मुनाफा, ईबिटा 9,000 करोड़ का, मतलब अगर आप ये सोचें अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस अगले इस साल 4 क्वार्टर में रहेगी तो 45-50 हज़ार करोड़ का ईबिटा अगर ये कंपनी करती है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस आ सकता है। मेरे ख्याल से 1,00,000 करोड़ के आसपास का, 1,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होगा एक बार अगर आप देखकर मुझे, हाँ 1,04,000-1,05,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और साल का अगर 40,000 करोड़ का भी ईबिटा करे, 45,000 करोड़ का कर दे इस तरह के माहौल में, तो आपको जो कामकाजी मुनाफा उसके सिर्फ दुगुने दाम पर वेदांता मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या सस्ता मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आपके लिए मेटल स्टॉक है। ये जब डीलिस्टिंग इसकी 150 रुपये में होने की बात थी तब LIC को इसका सही भाव 320 रुपये लगता था। उसके बाद जो कमोडिटी साइकिल रिवर्स हुआ है और उसके बाद जो तेजी आई है, आई एम श्योर अब तो LIC भी अपना टारगेट, अगर वापस से कभी डीलिस्टिंग का कोई मामला आया है, इस तरह का ऑफर आया, तो अब तो LIC भी 320 में कभी नहीं बेचेगी। तो मेरा ये समझना है जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही जबरदस्त है, और यहां से स्टॉक आराम से आपको और बढ़िया तेजी दिखा सकता है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, हम लगातार कह रहे हैं कि डिलीवरी लेकर शांति से बैठ जाइए, आपको 320 पर भी नहीं बेचना है। अब तक का हमारा ये व्यू था कि आप 320 के पहले बिल्कुल सोचे भी ना, LIC का टारगेट आने दे। इन रिजल्ट्स को देखने के बाद मेरा व्यू ये है कि आपको 320 पर भी नहीं बेचना है, इसको आप पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दें। और ग्लोबल मार्केट्स में मेटल में हल्का फुल्का करेक्शन आता है, किसी वजह से स्टॉक्स ओवर हीट होकर करेक्शन देते हैं, आपको फिर से नीचे में खरीदारी करनी, ये इन्वेस्टर्स के लिए राय या पोजिशन ट्रेडर्स के लिए राय। जो ट्रेडर्स हैं वो 275 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉपलॉस लगाए, 291, 295, 299 और 305 के टारगेट के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स का टारगेट 320 का है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हो सकता है ट्रेडिंग के वक्त कभी भी मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और ऐसा बुधवार के दिन भी सारे के सारे स्टॉक्स एक साथ बास्केट सेलिंग आपको आती हुई दिखी थी मेटल स्टॉक्स में, वो कभी कभार होगा। लेकिन अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, डिलीवरी लेकर शांति से बैठ सकते हैं, आप निश्चिंत रहें, आपको नुकसान नहीं होगा, कभी नहीं हुआ, पहले भी, आगे भी नहीं होगा, निश्चिंत रहे। तो वेदांता अच्छे नतीजे के दम